हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे बेसन का हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए बेसन और घी का मात्रा बिल्कुल सेम लेना है। यहाँ पर मैंने 1 केजी घी लिए हैं, तो बेसन का मात्रा भी 1 केजी ही होगा। कटोरे से अगर हम 1 कटोरा बेसन लेंगे तो 1 कटोरा ही घी जाएगा। तो कढ़ाई में मैंने घी को ऐड कर दिया था और घी थोड़ा सा जब गर्म हो गया तो मैंने 1 केजी बेसन ऐड कर दिए हैं। बेसन ऐड करने के बाद गैस के फ्लेम को स्लो कर देना है और बेसन को घी में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली ना पड़े। और एक बार जब बेसन घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर मीडियम आंच पे बेसन को खुशबू आने तक भून लेना है, हल्का ब्राउन कलर होने तक। फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे बेसन को भूनना है और घी और बेसन मिक्स होके ये देखिए इस टेक्सचर का हो जाएगा। बेसन के हलवा में घी थोड़ा सा ज्यादा जाता है, कम घी में हलवा का मजा नहीं आता है। तो ये देखिए बेसन से एक अच्छी वाली खुशबू आने लगी है और हल्का सा ब्राउन कलर भी हो गया है। तो चीनी को ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चीनी लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी की मात्रा थोड़ा सा कम या ज्यादा रख सकते हैं। 1 केजी चीनी तक आप ले सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद जस्ट 15 सेकेंड तक चीनी को मिक्स करना है ताकि चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और फिर पानी ऐड कर देना है। पानी एक बार में ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और हलवा को तब तक पकाना है जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। थोड़ा थोड़ा करके मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी हलवा में ऐड किए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किए थे क्योंकि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है। और ये देखिए पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक मैंने हलवा को पका लिया है, चीनी मेल्ट हो चुका है, तो हलवा डन है। अब मैं हलवा को डिश आउट कर लूंगी। हलवा को आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए हलवा को मैं कटे हुए बादाम से गार्निश करूंगी और हलवा अब सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।